सबको मेरा नमस्कार। आज हमारे तेलंगाना के कैपिटल में हैदराबाद में एक ऐतिहासिक मीटिंग हो रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूं सब लोगों को जिन्होंने यहां पे मीटिंग बुलाकर एक क्लैरिफिकेशन देने के लिए आपने मीटिंग बुलाया, सबको मैं बधाई देता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूं। आज ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ 1953 से चलते आ रहा है और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में या सारे जहाँ में एक ही संगठन है ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ, जो सबको लेके चलने वाली संगठन है। आज हमारे साथ बहुत से बड़े बड़े नेता, हमारे अमर सिंह तेलावत जी, हमारे MLA साहब आए हैं, हमारे सुनील खन्ना साहब, MR नायक साहब और खास करके कर्नाटक से हमारे डॉक्टर शंकर नायक के बेटे, हमारे सप्तगिरी जो युवा अध्यक्ष बनाया गया, हमारे बालराज नायक साहब, हमारे भीमला नायक साहब, पामड्रंग पमार और हमारे लिंक्स रायचूर के AIBSS अध्यक्ष रामा नायक साहब, गुरु भैया और सब हमारे यहाँ पे भाइयों आए, सबको मेरा नमस्कार बोलते हुए। ये डॉक्टर शंकर नायक साहब जब थे मुझे याद है, रामा नायक साहब सुनना हमारी बात, यहाँ मैं हम बोल रहे तो सुनना, आप सुनो, उधर बिजी मत रहो। कर्नाटक भवन बेंगलोर में दिल्ली में ये मीटिंग हुई थी, जो 5 साल का जो प्रेसिडेंस का जो प्रेसिडेंट बनाने का जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, ये मेरे रूम में खुद जो मैं कर्नाटक भवन में मेरे रूम में बैठकर डिस्कशन हुआ गया था, मैं विटनेस था उसमें। वो 2 साल के लिए वो पीरियड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, पहले राजू नायक को और दूसरे बात हमारे अमर सिंह तेलावत को देने के लिए हमारे सामने डिस्कशन हुआ था। उसके मुताबिक आज मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबको एक कर कर जो जैसा बात हुआ था उसके मुताबिक हमको चलना है। आज हम हमारे सुनील खन्ना बोल रहे थे उनको अमर सिंह तेलावत साहब को रोटी खा के सो नहीं, उन्हें रोटी खा के सोते नहीं और दूसरे को भी सुलाने नहीं देते हो, क्योंकि ही इज अ मैन ऑफ एक्शन। तो हम मुझे अर्जेंट मुझे मेरे क्षेत्र को जो बाई इलेक्शन चल रहे हैं मुझे इंचार्ज दिया गया है, वहाँ पे बार बार फोन आ रहा है, लेकिन हमारे रामा नायक साहब बोले कैसा भी करके यहाँ पे मीटिंग अटेंड करके जाना, रात में 2 बजे आकर। अभी भी मैं कुछ एक अर्जेंट कोई हॉस्पिटल में दे के आ रहा हूँ, मैं पूरा व्हाट एवर कमिटी डिसाइड्स हम उसके साथ है और हम चाहते हैं जैसा बात हुई उसी तरह हमारे अमर सिंह तेलावत साहब को ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ अध्यक्ष डिक्लेयर करना चाहिए। और एट द सेम टाइम हम राजू नायक को वो कमिटी जो भी है उनको भी कन्विंस कर इसको डिवीजन नहीं होना वैसा आप देख लेने के लिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं। और मैं MLA बनने के लिए ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ कारण है। डॉक्टर शंकर नायक साहब मुझे 2003 में ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का जिला अध्यक्ष बनाए थे और हमने बहुत से मूवमेंट कर मैं एक ऑल इंडिया सर्विस सेंट्रल हेल्थ सर्विस में मेडिकल ऑफिसर था, मैं सतत ये ऑर्गेनाइजेशन के सहारे पे हम लोगों का काम करते गए। मैं एक पहली बार जब इलेक्शन ठहरा कम से कम हाईएस्ट लीड 27,000 वोट से मैं जीता, और दूसरी बार 2018 में जब इलेक्शन हुई हमारे एरिया में हाईएस्ट लीड कर मुझे लोग हमको वोट डालकर जीता है। हमको काम करने के लिए स्कोप बहुत है, हमको काम करना चाहिए। और रंजीत नायक साहब को, हमारे डॉक्टर शंकर नायक साहब को हम याद करते हुए, मैं 15 दिन पहले मैं यहाँ पे गुत्ती को भी गया था, मैं दशहरा के सीजन में वहाँ पे जाकर हमारे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के अध्यक्ष रंजीत नायक साहब का जो स्टैचू है वहाँ हम जाकर वो आशीर्वाद लेकर हम अपना काम कर रहे हैं।